राजधानी जयपुर के मानसरोवर थाने में कार्यरत पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल मानसरोवर थाना पुलिस के सिपाही एक बदमाश सुधीर पहलवान को पकड़ने के लिए सुमेर नगर पहुंचे थे। इसी दौरान सुधीर पहलवान की पुलिस के साथ हाथापाई हो गई। सुधीर ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ते हुए एक पुलिसकर्मी का सर भी फोड़ दिया और फरार हो गया। जिस समय पुलिस और सुधीर पहलवान के बीच हाथापाई हो रही थी, उसी दौरान पास ही मौजूद ब्रजेश नाम का युवक बीच बचाव करने भी आया, जिसके चलते सुधीर पहलवान मौके से फरार हो गया। पुलिस ब्रजेश को पकड़कर थाने ले आई। घटना के बाद कॉलोनी वासी मौके पर पहुंचे और थाने का घेराव भी किया। जो परिवारीगण हमारे पास आए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे मानसरोवर थाना पुलिस और उसके अधिकारी उनके घर पर गए, बदतमीजी की और एक व्यक्ति को पकड़ कर लाए, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, इस तरह का एक आरोप लगाया है। थाना अधिकारी से भी प्रकरण की जानकारी ली है और इस विषय में अभी पूरी घटना तो अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या हुई, लेकिन अभी एकदम प्रथम दृष्टया तौर पर ये कह सकते हैं कि परिवादी ने आकर इस तरह की एक शिकायत पेश की।